Anum Shafique from Variations and viewers, today I'm here at Chandni Chowk restaurant for dinner buffet. So let's check out their dishes. मटन पाया, यानी कि इनके पास पाए नहीं है व्यूअर्स। निहारी, फुल देसी खाना भी है अवेलेबल फॉर देसी फूड लवर्स। ये है जी इनका मोती पुलाव, क्योंकि ये इसमें छोटे छोटे बॉल्स हैं जिसकी वजह से इसको मोती पुलाव कहा जाता है, मोती की तरह। तवा तड़का कीमा, वाव तड़के वाला कीमा। ये इनकी बॉम्बे चिकन है, लुक्स डिलीशियस। इट्स हैदराबादी चिकन बिरयानी। And this is three leaf chicken. ये है जी garlic chicken. And this one is tamarind chicken. Wow, tarragon chicken. Egg fried rice and egg fried rice ke saath chicken manchurian. Ye hai chicken sikandri tikka and this one chicken malai roti, fish kebab aur ye chicken kebab. राजस्थानी चीज़ बोटी जो कि ख़त्म होने वाली है, रिफिल हो जाएगी। चिकन अफगानी बोटी, ये सैंडविचेस हैं, पिज्ज़ा ख़त्म हो चुका है, भारत बरा स्पेगेटी, हॉट चिली चिकन, स्पाइसी हनी चिकन विद सेसमी सीड्स एंड कोफ्ता चिकन, थाई चिली नूडल्स। ये है चिकन शवारमा, दीज आर मिनी जिंगर बर्गर्स, क्यूट ड्रमस्टिक्स, मिनी ड्रमस्टिक्स आई गेस। Okay. And these are potato croquettes. This is fried chicken, French fries. Crispy fried fish ka ye hal ho chuka hai. व्यूअर्स, चांदनी चौक का खाना ज़बरदस्त था, स्पेशली फ़िश कबाब, ड्रम स्टिक्स, मलाई बोटी एंड तवा तड़का कीमा भी टेस्टी था। और मैंने मटन टकाटक, बॉम्बे चिकन, थ्री लीफ चिकन भी ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। तो अगर तो आप देसी फूड लवर हैं तो आप यकीनन इनका डिनर बफे इंजॉय करेंगे, क्योंकि इनके पास 90+ डिशेज हैं जिनमें पाए, निहारी, ये सब भी इंक्लूडेड है। और चाहे डिशेस ज़्यादा थीं बट ऐसा नहीं था कि क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, इसीलिए खाने को मैं दे रही हूँ 4.5 out of 5 स्टार्स। बट क्योंकि मैं संडे को गई थी तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सैटरडे संडे को यहाँ पर लोगों ने फंक्शंस की बुकिंग भी करवाई होती है, तो अगर तो आप पीसफुल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो बिल्कुल भी सैटरडे संडे को ना जाएं, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची तो शायद कोई भूखे लोगों की बस भर के आई हुई थी और वो शायद इस रेस्टोरेंट को शादी हॉल समझ रहे थे। और जब मैनेजर ने कहा कि खाना लग चुका है तो सब ने खाने पे ऐसा धावा बोला कि लफ्ज़ों में तो मैं बयान ही नहीं कर सकती।
यहाँ तक कि मैं 45 मिनट तक वेट करती रही कि लोग अपनी सीट्स पर जाते हैं खाना लेके, तो मैं जाती हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और शायद अगर मैं वेट करती रहती मज़ीद तो बिल्कुल वेट ही करती रह जाती, क्योंकि लोग तो वहाँ खड़े होकर ही खाना खाने में मसरूफ़ थे। यहाँ तक कि मैंने मैनेजर को भी ये कहते सुना कि सर आप खाना टेबल पर ले जाएं, आराम से वहाँ बैठ के खाएं, बट उन लोगों के तो कानों पर जूं भी ना रेंगी। इसीलिए सैटरडे संडे को जाना प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि मैनेजर से पूछने पर मुझे ये पता चला कि लोग सैटरडे संडे को ऐसे ही उधम मचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर एम्बियांस को कोई पॉइंट्स देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट एक बात कहना चाहूँगी कि स्टाफ इनका सच में कोऑपरेटिव था, बेचारा रीफ़िल पे रीफ़िल करने में मसरूफ़ था, क्योंकि शायद उनको भी लग रहा था कि ऐसे खाने पर ये लोग टूट पड़े हैं जैसे कोई सालों बाद खाना देख रहे हों। तो इसीलिए स्टाफ के लिए 4 out of 5 stars। और व्यूअर्स, यही एक वजह है कि मैं अपनी वीडियो का रिव्यू भी वहाँ पे नहीं कर सकी और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। गुड बाय फ्रॉम अनम शफीक।